जीतन अम्मा जी जिसके साथ हैं, अगर हमारे पिताजी हम कुछ चाहते हैं तो हम अपने पिताजी से न कहेंगे, अपने अभिभावक से न कहेंगे, तो जीतन अम्मा जी सबसे पहले तो जा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से न कहें कि इस देश में जातीय गणना कराइए। ये 2007 के पहले कितने अति पिछड़ा के मुखिया हुआ करते थे, 2007 के पहले जिला परिषद के सदस्य कितने अति पिछड़ा के होते थे, कितना महादलित का होता था, कितना दलित का होता था। जीतनराम मांझी जी भी तो मुख्यमंत्री हुए थे, अपने बलबूते पे हुए थे, उनका चेहरा देश प्रदेश में घूमा था कि नीतीश कुमार ने अपनी सोच के चलते एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, जाति गणना का रिपोर्ट अन्य सार्वजनिक होने के बाद जो है जीतनराम मांझी का एक प्रतिक्रिया सामने आया है। उन्होंने कहा कि जितने मंत्रिमंडल है मंत्रिमंडल को भंग कर दिया जाए और फिर से जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, क्योंकि जातीय गणना में जिस तरह से रिपोर्ट आया है उसके बाद वो साफ तौर पर बयान देते हैं, जिसके बाद जदयू के जो मंत्रिमंडल मंत्री हैं अशोक चौधरी वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। और साथ ही साथ जिस तरह से बचौल का बयान आया है कि हिंदुओं का जो संख्या बिहार में जनगणना के बाद जो हिंदुओं का संख्या है वो बढ़ गया है, इसको लेकर के हिंदू राज की मांग कर दी, उस पर भी क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जी, आइए सुन रहे इस वीडियो में। मांझी ने मंत्रिमंडल बर्खास्त करने की मांग की है। जिनके पहले तो जीतन मांझी जिसके साथ हैं, अगर हमारे पिताजी हम कुछ चाहते हैं तो हम अपने पिताजी से न कहेंगे, अपने अभिभावक से न कहेंगे, तो जीतन मांझी सबसे पहले तो जा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से न कहें कि इस देश में जातीय गणना कराइए, प्रधानमंत्री से मिले और वहां पर कहें ये सब बात, तो हमको छोड़ के चले गए हैं तो उनको उनको यहाँ पर क्या अधिकार है बोलने का। नहीं, उनका कहना है कि मंत्रिमंडल को तोड़ के जनसंख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल का, ये 2007 के पहले कितने अति पिछड़ा के मुखिया हुआ करते थे, 2007 के पहले जिला परिषद के सदस्य कितने अति पिछड़ा के होते थे, कितना महादलित का होता था, कितना दलित का होता था, आंकड़ा निकालिए। ये नीतीश कुमार है जिसने नई पीढ़ी को, राजनीतिक पीढ़ी को इस प्रदेश में पैदा करने का काम किया। जीतनराम मांझी जी भी तो मुख्यमंत्री हुए थे, अपने बलबूते पे हुए थे, उनका चेहरा देश प्रदेश में घूमा था कि नीतीश कुमार ने अपनी सोच के चलते एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया, और आज ज्ञान दे रहे हैं। अपने समय में काहे नहीं जातीय गणना करा दिए, कैबिनेट से पास कराते, आने वाले समय में हम जातीय गणना करेंगे। सब ज्ञान यहीं पर देना है, जहां गए हैं वहां कुछ ज्ञान नहीं दे रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल हिंदू राज्य की मांग कर रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि जनगणना के बाद हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, हिंदू राज्य बिहार को हिंदू राज्य घोषित किया जाए। ये सब विदंगड़ा खड़ा करने वाले लोग, ये सब विदंगड़ा खड़े। संविधान पहले बचौल जी पढ़े, संविधान क्या कहता है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है और अपने धर्म को अपनाने का अधिकार है। ये बिदगड़ा जो खड़ा कर रहे हैं बचौल जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसमें दम नहीं है। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया का पलटवार करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आप भी मुख्यमंत्री जो है वो बिहार के रहे, आप क्यों न करा लिए अपने समय में जो है जाति गणना वो करा लेते। और बचौल की जो बयान सामने आया था कि उन्होंने कहा था कि मुस्लिम की जो आबादी जो जिस तरह से बढ़ रही है, अभी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इसे हिंदू राज घोषित किया, तमाम प्रतिक्रियाओं का उन्होंने जवाब दिया। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स जरूर दें। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।